Morning students, today we are going to start chapter number 17, that is means of communication. Okay, students, now take out your books. Okay, so listen to me carefully. The chapter number 17 means of communication. Okay, look at the book right now. The first one is communication. Today's world, it is very easy to keep in touch with the people. Okay, because think of the time when sign languages was the only way to communicate. We all like to talk each other in the shape, thoughts and feeling. This is called a communication. Communication. Understood? Speed is the constant means of the communication because when we have to share our feelings for instant information with the people who are not physically present, okay? We can send our message. Not the message sent to our letters, talk to relatives and emails. We use different means of communication. हम अलग अलग means का use करते हैं. जैसे letters में है not a few, ठीक है? तो पहला आपका है postal service. क्या कहते हैं उसको? Postal service, okay? Postal service is the most कॉमन चीज मीन्स आपका सबसे सस्ता होता है, ठीक है? उसमें क्या होता है, इंडिया का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है. वी कैन यूज पोस्टल कार्ड, पोस्टल कार्ड का भी आप यूज करते हो. अभी यार इसमें पोस्टल कार्ड किसका यूज करते हो? पोस्टल कार्ड का, ठीक है? इसी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आता है, जैसे कि अब देखिए सबसे ज्यादा जैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इसी में आपका है पोस्टल कार्ड. क्या स्टूडेंट? पोस्टल कार्ड, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आपको पोस्टल कार्ड याद रखे स्टूडेंट, उसका ना इंपॉर्टेंट, ठीक है? पोस्टल कार्ड क्या है? पोस्टल कार्ड, ठीक है? इसी में क्या है, आपको ज्यादा ज्यादा जानकारी मिलती है. जैसे आप किसी से लेटर लेते हैं, ठीक है? इंडिया इज द लार्जेस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड. ओके, पोस्ट ऑफिस ऑफर्स कुरियर सर्विस. क्या करते हैं कुरियर सर्विस देते हैं, इसको क्या कहते हैं? स्पीड पोस्ट. क्या कहते हैं? स्पीड पोस्ट. कोई सर्विस है स्पीड पोस्ट का देखा. इसको बात स्टार्टेड अगर 1986 कब स्टार्ट हुआ था? 1986 में, ठीक है? लेटर्स जो है स्पीड पोस्ट रीच देयर डेस्टिनेशन. ओके, लेटर्स पार्सल्स आर कैरिंग ट्रेन एरोप्लेन से चले, ठीक है? इसी में नेक्स्ट है आपका टेलीफोन. क्या है टेलीफोन? टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. क्या होता है टेलीफोन? आपका सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. वी कैन टॉक टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू अवर टेलीफोन. टेलीफोन से हम ले सकते हैं. जैसे इसमें क्या है एसटीडी, सबसे पहले आपका आता है एसटीडी, जिसको कहते हैं सब्सक्राइबर ट्रंक डायल. ओके, इज यूज्ड टू टॉक पीपल इन अदर सिटीज इन इंडिया. इसका यूज करते हैं हम लोग इंडिया में अलग अलग जगहों में, ठीक है? नेक्स्ट है आपका आईएसडी, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल. ओके, इज यूज्ड टू टॉक पीपल इन अदर कंट्रीज. इसका यूज करते हैं आप वर्ल्ड में दूसरी कंट्री से बात करने के लिए. Mobile phones have become popular and important means of communication. We can easily carry that in our pockets and talk whenever we want. जब चाहते हैं, ठीक है? We can also send from the bed भी सकते हैं. Short hidden message, मतलब जैसे message आप उसको message कोई भेज सकते हो, ठीक है? जैसे कैसे use करके message services का, जिसको आप कहते हो SMS. क्या कहते हो? SMS, ठीक है? iPhone, next student आपका iPhone. iPhone कब launch हुआ था? 2007, ठीक है? These days iPhone are becoming very popular. क्या हो रहा है? बहुत पॉपुलर हो रहा है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम अलाउंग टू मेक कॉल्स, इट कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट द इंटरनेट एंड ईमेल रिसीव. इट हैज अ कैमरा, इट हैज अ कैमरा और पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स होते हैं, ठीक है? और रिकॉर्डिंग एएसडीज होती है. इसमें आप कनेक्ट कर बैक और कंज्यूमर टू रिसेंटली सेंड रिटेल मैसेज पिक्चर. वी कैन यूज द बैक्स. अब जैसे बैक्स का यूज करते हैं, बैक्स क्या है? डॉक्यूमेंट सेंड ओवर. जैसे टेलीफोन यूज करते हैं, ठीक है? कंप्यूटर का भी यूज करते हैं. कंप्यूटर क्या करता है? रैपिडली इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री, इन माय कंट्री ऑफ बर्थ, ठीक है? वी हैव वेरियस वैरायटीज ऑफ कंप्यूटर. आपके पास होते जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, ठीक है? कंप्यूटर प्लेइंग आवर वर्क बेटर एंड ईजियर. हमारे काम को बहुत ईजी भी कर देता है. वी कैन सेंड ईमेल थ्रू द कंप्यूटर. ओके, ईमेल में क्या होता है? कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन दैट वर्क्स विद द इंटरनेट. ओके, विद हेल्प ऑफ मॉडर्न. ओके, मॉडर्न. इसी में क्या होता है? वी कैन फाइंड एनी इंफॉर्मेशन. स्टूडेंट्स एक्सप्लोर, ठीक है? एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? सब्जेक्ट्स की वेबसाइट्स पर पर्सनल कंप्यूटर्स आर नाउ अवेलेबल इन एवरी, ठीक है? फील्ड्स में आपके इंफॉर्मेशन इन पीसी हैज रिजल्टेड इन मल्टीमीडिया. पीसी का क्या? मल्टीमीडिया भी होता है. नेक्स्ट मास मीडिया. मास मीडिया इज द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. क्या होता है आपका? मास कम्युनिकेशन होता है जिससे क्या होता है आपके लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है? उसी में क्या होता है, मास मीडिया नॉट ओनली प्रोवाइड, ठीक है, इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो एजुकेट देम अबाउट द लार्जेस्ट हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. वर्ल्ड में जो आपकी हैपनिंग होती है उसके बारे में बताते हैं. ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है? आकाशवाणी इज द
national public radio broadcast, ठीक है, they broadcast news flow and other programs apart from Hindi and English. FM broadcasting is the very popular in these days. FM channels का use करते हैं, ठीक है, जैसे आपके provide करते हैं 24/7 music का, ठीक है, television, दूरदर्शन का, television, broadcaster of India, there are many private channels के आते हैं, ठीक है, जैसे ZTV, colors, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो school student जैसे sports करते हैं या educational methods होते हैं, उनकी program को सीखते हैं, ठीक है, we can also watch the news and live sports in the television with the help of satellite. Print media भी क्या होता है आपका, newspaper, magazines provide. ओके राइट टू द डोर डोरस्टेप, ठीक है, मैगजीन्स कैरी करते हैं लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट, ठीक है, मैगजीन्स कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस स्पोर्ट्स मैगजीन, ठीक है, फिल्म मैगजीन, ठीक है, बिजनेस मैगजीन, दिस कैन बी रेड एंड ई बुक, ओके, ई मैगजीन होती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन, ठीक है, विद हेल्प ऑफ इंटरनेट. सैटेलाइट, नेक्स्ट है आपका सैटेलाइट. सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, वी डिपेंड मेनली ऑन द मैनमेड सैटेलाइट, जैसे वो क्या करते हैं, आप बीच ऑर्बिट द अर्थ और रिमेन स्टेशनरी, आपके स्टेशनरी रहते हैं एक तरफ, ओके, हाई अप स्पेस में से साउंड एंड पिक्चर्स इनका यूज क्यों करते हैं, आर सेंट फ्रॉम अर्थ बाय ट्रांसमीटर, अर्थ से आपको ट्रांसमीटर से इसको यूज करते हैं, ठीक है, दीज आर रिसीव्ड बाय सैटेलाइट एंड सेंट बैक टू अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, अदर पार्ट में सेंड करते हैं, ठीक है, जैसे एजुकेशन प्रोग्राम है, इंटरटेनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, टेलीकास्ट करते हैं, ठीक है, वॉच मिलियंस ऑफ पीपल, जो अदर ज्यादा लोग देखते हैं, ठीक है, ओके, इसी में नेक्स्ट आता है फिल्म, क्या होता है, फिल्म साल ग्रीन ऑफ योर नीड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, दे स्प्रेड, अब फिल्म का कैसे यूज करते हैं, दे स्प्रेड सोशल मीडिया से देखते हैं, ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, सच एज स्टार जो प्री एजुकेटेड पीपल अबाउट द प्रोग्राम्स फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों को सिखाया जाता है इसमें कि कैसे कैसे वो अलग अलग पार्ट में सीखे, ठीक है, उसमें तो आपको क्या करना है, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि उसमें कौन कौन से माध्यम से सीखने के, ठीक है, तो उसको आपको प्रिपेयर करना है और डेली बेटर उसको नोट बनाए, ठीक है, स्टूडेंट इतना प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है, डेली बेटर, ओके, थैंक यू वेरी मच. We are going to start the chapter number 17. Good afternoon, sir. Come.